एक बार रिंग के बता तो आज कतेक तार रिंग तो हमें नींद देखे हो तो लल्ले शराब दे दे मारा शराब दे दे बेटा। जो बकरी चोरी कर रहे थे कुछ लोग उनको पकड़ा गया है। हे YouTube फैमिली वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी सुबह सुबह मस्त मैं उठ गया हूँ और साथ में मैं ब्रोनी के साथ अभी घूमने निकला हूँ। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे बरखा रानी लोग के साइड, तो यहीं पे है जस्ट बगल ये वाला हम लोग का घर है। यहाँ से ऐसे हम लोग आए हैं और यहाँ से ऐसे ये तो छोटा सा यहाँ पे मतलब दीवार था ये टूट गया है, मतलब बाउंड्री लगाए थे बाबा लोग का है ये वाला। तो इधर से पांडे गली, इसी को मैं बोलता हूँ शंकर भैया, कभी भी इधर से आते हैं। और यहाँ पे हमारे चाची लोग क्या क्या कर रहे हैं, हमारी साल वाली चाची आई है आज और चीकू वहाँ भोंक रहा है। ब्रोनी ए नहीं भोंकने का, कैसे चाची? पेड़ काट रहे हैं उधर, कौन काट रहे हैं? थोड़ा देखने चलते हैं, मशीन से काट रहे हैं पेड़ हमारे चाचा और दादा लोग हैं। आजा ब्रोनी जाएंगे इधर, कम मत सूंघो उसको, कुछ रिसर्च नहीं करना है तुमको। ये हमारे शंकर भैया लोग का है, यहाँ खेती वेती किए थे तो पिछले बार दिखाया था मैं आपको। और अभी हम लोग जा रहे हैं ये हमारे पुराने वाले घर साइड, मतलब पहले वाला घर तो ये वाला था हम लोग का, वो जो कच्चा वाला दिख रहा है। तो हम लोग इधर ही से ऐसे आए हैं। हो गया कटिंग? हो गया। कितना ठोकाटे? एक पेड़ तो कट गया, हम लोग लेट हो गए। मेरे को लग रहा था थोड़ा ज़्यादा ही काटेंगे लेकिन मशीन था तो फटाफट से एक ही तो काटना था, निपटा के भाग रहे हैं। तो देखते हैं कैसे कटा है। यहाँ से इन्होंने काटा है देखिए, मतलब एक पेड़ को 4-5 बार यहाँ से काटा गया है, ये वाला था बड़ा वाला था। तो गाइस अभी तो छींद का मौसम है तो अभी छींद उन देखने को मिल रहा है उधर। इधर पहले हम लोग, ये वाला पुराना घर है ना हम लोग का, तो यहाँ से हम लोग ऐसे आते थे। छींद बहुत सारा है यहाँ, 1, 2, 3, 4 पूरा सब जगह यहाँ पे भरा हुआ है। तो अभी तो पका नहीं है, थोड़ा कच्चा ही लग रहा है, तो पकेगा कुछ दिन बाद खाने आएंगे। बस वही छींद को देखने के बहाने में आया था कि छींद उंद हुआ होगा तो खाएंगे करके, लेकिन अभी हुआ नहीं है, कच्चा कच्चा है। चलो ब्रोनी निकलते हैं अब घर। जब हम लोग पुराना घर में रहते थे तो हम लोग रहते थे और चुन्नू लोग और मतलब मेरी छोटी चाची और ईश्वर लोग, हाँ बस, और बगल में श्रवण भैया लोग, शंकर भैया लोग, वो सब लोग साथ में रहते थे वहाँ आसपास में जितना भी घर है। तो सब बाद में सर्विस वर्विस सबका लगा और फिर कोई किधर जाने लगा, कोई मिस्त्री बन गया, कोई शिक्षक बन गया, कोई क्या बन गया, तो सब फिर अपना अपना कोई बाहर में रहने लग गया, कोई आसपास इधर उधर बनाने लगे, तो सब अभी अलग अलग बना लिए। पियो और नहीं पिएगा अभी बैठ जाएगा, अभी पानी में बैठ गया, अभी इसको नहाना है, मस्त नहलाऊंगा कम से कम 5 मिनट। चलो नहा लो। अब कौन आई है बड़ी मम्मी? अच्छा ये तो मम्मी हम लोग का चावल वो साफ कर देती थी वही है। किसे आजी नमस्कार, सुना था हसकी ले कुछ बिस्कुट उस्कुट खावे? बढ़िया बढ़िया हस, बढ़िया दिखे लायक मन आँख मनेदारी दिखेल की अच्छा नाजो चिन्हल में बड़ा हो तोर बड़ा दो आज का दाऊ तोर दाऊ बन वे दई से है मोर जाय के डेरा करी। हां मोटा 10 दिन ने डेरा करी तोर दाऊ। कहां जगले? पत्थर गावे का आज बने दई ता। तो गाइस ये बता रही है कि मेरे पापा जो हैं इनका काम करवा दी आंख वाला, और ये बहुत पुरानी हम लोग की घर में आती जाती रहती थी और हम लोग का जो है चावल वावल को साफ सफाई कर देती थी, बहुत ही अच्छी थी। तो अभी तो काफी उम्र हो गया है, नहीं आज लगभग 90 ले तो पार होगी सोही तोला। आपसे बड़ी है कि नहीं है? बड़ी है। हाँ तो आई को लगभग 85 हो रहा है, तो सोचिए इसको 5-1 साल तो बड़ी होगी ना, तो बहुत ज्यादा होगी 10 साल। हाँ। तो 95 हो गया है गाइस, देख सकता हूँ फिर भी चल रही हो। रैंक क्या है हसकी? कुछ कोनो लाइन दे रही तो ऐसा वीडियो बनाए हो जो मैं जब जब तोला खोजू ना। हाँ। तो तोर वीडियो लहर के देखबो हमन, ते हमेशा रही जाए हमार संग, समझ आओ 20 साल जीवे ते। शराब दे दे मारा शराब दे दे बेटा। का शराब? ओला शराब थोड़े हमन दुआ दो करबो भगवान ला। अंदर तो अंदर हो जाता है कोई। ज्यादा तनाव वाला चीज को मत, मतलब जिसमें ज्यादा ताकत लगे उस चीज को मत उठाइएगा। नहीं ना ये बड़ा
ताकत वाला दवाई वही तोर पर लाइन दू ना लाइन देवे नहीं बड़ा। एक बार रिंग के बता तो आज कतेक तार रिंग नींद देखे हो तो लल्ले। तो गाइस थोड़ा हालत काफी उम्र के हिसाब से देखिए, नहीं तो पहले बहुत ही अच्छा चल फिर के आती थी, लेकिन देखिए 90-95 के उम्र में भी कितना तगड़ा चल रही है तो आप सोच सकते हैं 10 साल कैसे नहीं जिएगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब एक बार रिंग तो देखिए गाइस कितना तगड़ा शरीर है इसका, गजब हो गया। काहे नहीं जिएगी आई 10 साल काहे नहीं जिएगी बताइए, कितना तगड़ा चल रही है ना, बहुत तगड़ा है अभी भी। तोर बार में यंग जब भी आवे लाइन दे रहा हूँ घर में बढ़िया प्रोटीन विटामिन वाला गोली दवाई रोज दिन खावे साला। आओ दुई कदम और रेंगे ना ठीक करे बढ़िया बुले काए जाए बड़ दिन ले देखे में, कम से कम नहीं फिर भी तोला 5-7-10-1 साल तो होगी रही में नहीं देख रहे हैं तोला, तो छोटे रोट रहे वही घनी देख रहे हैं ओ चावल उवल साफ करे तो आत रहे घनी। हाँ मेरी बहन और मेरे मैं लड़ रहे थे उसी को बता रही है पहले नया जी, वो पुराना घर में रहते ही घनी आत रहे ने। हाँ हाँ हम लोग जब पुराना घर में थे गाइस उस समय आई थी तो हम लोग मैं और मेरी बहन लड़ रहे थे उस चीज को अभी भी इसको याद है, मैं बहुत छोटा था उस समय और आज देख रहा हूँ इसको बहुत साल बाद। रसगुल्ला खावे ए लाइन देता हूँ बैठ रहे ना, एक पीस दीजिएगा नहीं तो उसका पेट खराब हो जाएगा। अल्ले शादी का तो नहीं है लेकिन मेरे शादी में नहीं है इसलिए घर ले जावे, इसके नाती पुती छंती के लिए सोच के ले रही इसलिए नहीं खा रही। कौन वाला देवे नहीं ना नहीं रोबा मैं खाऊंगा रे। रेडी हुआ हमारा खाना, क्या बन रहा है आज, क्या सब्जी है? आलू बैंगन। अच्छा ये कल जो लाए थे वही वाला आम है ना, अचार बनाएंगे। मस्त नहा धोवा के रेडी हो गया और यहाँ पे मेरा खाना भी आ चुका है। कल हमारे जो एक मेरे दादा की बहन उल्लू के गांव गए थे पापा, तो वहाँ से आम लेके आया तो बहुत ही मीठा मीठा आम है, ये उन्हीं लोग के घर का ही है मतलब बगीचा टाइप का है वहाँ बहुत सारा होता है तो भिजवाई है तो इसको खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। अब हमारे जाने का समय हो गया, यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर लोग कैसे है हीरो लोग, ठीक ठाक ठीक ठाक। छुट्टी मनाने नहीं जा रहे हो यार मामा घर वर कहीं आ गए, ठीक है बाय। तो गाइस ये लोग सब हमारे ही गांव के हैं, ये हमारे देवगुण चाचा लोग का घर है उन्हीं के पुत्र लोग हैं, तो ये लोग हमारा सारा ब्लॉग को देखते हैं कुछ भी एक भी नहीं छूट पाता है तो वेट करते रहते हैं, जैसे प्रीमियम में अगर कर दूं तो वेटिंग में ही इन्हीं का नाम रहेगा पहले। और ये हमारा इला चौक है और यहाँ पे एक गुपचुप वाले दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे हमेशा ये खोलते हैं देखिए, और ये भी हमारे ही गांव के हैं तो चौक को ये पूरा आप संभालते हैं, और जैसे हम भोलेनाथ पानी पूरी वाले से खाते हैं पत्थल गांव में तो हमारे चौक में सबसे ज़्यादा इन्हीं का चलता है, इनका भी ज़बरदस्त स्वाद है। वो तो झारखंड वाले हैं भोलेनाथ वाले तो झारखंड हिसाब से स्वाद है और इसका इनका हमारा देसी स्वाद आता है। और क्या हाल चाल, बढ़िया ना। ये भी है हमारे ही गाँव के समझ लीजिए, तो सब हमारे बहुत करीब वाले हैं जो हम लोग को मानते हैं, तो फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं रोज गुजरता हूँ और आज इसके बारे में बता देता हूँ, ये हमारी वन देवी माता है देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बाकी इधर जैसे हाथी वगैरह आते हैं हमारे साइड तो यहाँ थोड़ा सा विश्राम करते हैं, इधर तो ज़्यादा जंगल है नहीं। यहाँ से ठाकुर पूड़ी मतलब यहाँ से एक रास्ता गया है उधर बहुत सारा है मतलब पेड़ पौधा तो थोड़ा खाना है तो वहाँ भी थोड़ा विश्राम करते हैं कुछ दिन, अब धान वान का सीजन में जैसे पकते टाइम या फिर धान पकने से थोड़ा सा पहले आते हैं और वही धान वान को खाने के चक्कर में तो ज़्यादातर नुकसान नुकसान करके ही जाते हैं। तो फिलहाल तो इस बार इस साल पिछले साल भी ज़्यादा देखने को नहीं मिला, भगवान जाने इधर फिर मत आए, हम तो जाते हैं क्योंकि नुकसान होता है। खैर हम लोग के साइड तो नहीं आते हैं लेकिन ज़्यादातर यही किलकिला एरिया में जैसे किलकिला भी जो दिखाया वहाँ और ये ठाकुर पूड़ी एरिया में यहाँ थोड़ा घना है और उधर लचेरा साइड भी एक जंगल है मतलब लचेरा से थोड़ा सा पीछे वो गांव का नाम मैं नहीं जान रहा हूँ वहाँ भी ज़्यादातर आते हैं। चलिए बात करते करते हम भी पहुँच गए अपने मेडिकल। गाइस वहाँ पे देखिए जो बकरी चोरी कर रहे थे शायद कुछ लोग उनको पकड़ा गया है तो वहीं पे उसका भीड़ भाड़ लगा हुआ है, तो हमारे देखिए सोसाइटी वाले भैया लोग भी गए थे उधर ही तो बहुत भीड़ था तो शायद 2-3 बकरी को उठा के ले रहे थे लोग, तो पुलिस वुलिस वाले लोग भी आए हुए हैं। अभी हमारे महाराज जी बता रहे थे अभी जो गन्ना जूस वहाँ पे जो बेचते हैं उसके जस्ट बगल में उनके भाई यहाँ करते हैं ना सीखते हैं मतलब मिस्त्री ही हैं
तो अभी गए हुए हैं, तो उनके आने के बाद हम पूछेंगे क्या क्या हुआ वहाँ पे। पुलिस वाले ले गए पुलिस वाले। हाँ। कितने भीड़ भाड़ थे? लगभग लगभग 12 लोग थे। कितना टो बकरी को उठा के ले रहे? एक को, एक को? हाँ, एक ही तो ना महाराज। कौन पकड़ा उन लोग को? बकरी मालिक। तो कैसे पकड़ के भाग रहे थे कि? हाँ, भाग रहे थे। दौड़ा के पकड़ाए? हाँ। तो मार वार भी तो दिए होंगे ना? मैं आया उससे पहले का बात है कि अभी अभी का बात है? अभी अभी का बात है। तो पुलिस वाले लोग को फोन कौन किया था? उन्हीं के आदमी एक थे। हाँ, तो ले गए उन लोग को। हाँ। और उन लोग का बाइक को एक कहाँ गया? पुलिस वाले ले गए। इस हमारे एरिया में बहुत ज्यादा मतलब बकरी उकरी इधर पालन उलन करते हैं, ज्यादातर गांव देहात का एरिया है, तो आए दिन देखने को मिलता है बकरी चोरी। पिछले बार यही हमारे मेडिकल यहाँ आसपास में एक बार पकड़ाया था ना महाराज, तो उसको जम के धुलाई की है। गाइस अभी शाम का समय है तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि आज मार्केट डे भी है, लेकिन थोड़े देर पहले मौसम बनाया था बारिश होने का, बाकी अभी मौसम खोल दिया है तो लोगों का आना जाना फिर से शुरू हो गया। इस अभी रात के 8:30 बजने वाले हैं, मैं सीधे घर जा रहा हूँ, तो मैं फिलहाल तो अभी पहुँच चुका हूँ हमारे इला चौक में। और गाइस हमारे राधा कृष्ण मंदिर में तो काफी भीड़ देखने को मिल रही है, शायद पूजा पाठ चल रहा होगा। और रविंद कैसे? रविंद बाबू ठीक है? कहाँ घूम रहे हो आज? तो चार्जिंग वाला स्कूटर आया था। किसका है ये? ये टिंकू लोग का है। अच्छा, चार्जिंग तो फुल है नहीं। तो गाइस मेरा जितना भी झोला झंडी है इसको पकड़ने के लिए झरना भी आ गई, तो ये सब मैं वही कूलर के लिए पानी लेके जाता हूँ, तो काफी ज्यादा पीता है, तो चलते हैं। क्या कर रही है मम्मी? बैठी हूं। आज तो बहुत थक गया मैं। खाना वाना बन गया है कि? हाँ। खा लिया आप लोग? हम लोग खा लिए। चलो तुम खा लिए। बैठो। अच्छा ब्रोनी को मैं मूंगफली दाना उसके लिए लेके आया हूँ, तो खिलाता हूँ। बहुत भूख रहा है, मेरे आने के बाद जान जाता है ना कि मैं आ गया हूँ। जब भी मैं घर आता हूँ तो इसके लिए कुछ ना कुछ मैं लेके आता हूँ, और जिस दिन मैं नहीं लेके आया उस दिन घर से ही कुछ ना कुछ दे देता हूँ, तो ये जान गया ना मैं लेके आया हूँ, तो बैठ रहा है। देखिए अब बैठने से ही मैं इसको देता हूँ, तो स्टे ब्रोनी रुक जा, देने दो उसके बाद खाना। स्टे स्टे लार मत गिरा, रुको स्टे, चल खा। मैं मस्त फ्रेश भी हो गया और यहाँ पे हमारा खाना भी आ चुका है। मम्मी आम नहीं है वो, दादी भूल गई थी वाला ना? मम्मी कलम आम है कि दसरी? दसरी है। चलिए खत्म करते हैं। और आज सबको तुम बनाए हो? हाँ। और ये इसको मेरी मम्मी बनाई है, इसको मतलब पापड़ टाइप का, मतलब इसको बनाते हैं चावल, चावल से बनता है ना मम्मी। हाँ। फिलहाल जल्दी जल्दी से खाते हैं, प्याज भी ला दो ना। आप कहाँ गए थे, नहीं दिखे आने के बाद? कहाँ? अच्छा बिनीता लोग के यहाँ? हाँ। तो खाना वाना खा के आए हैं? हाँ। हमारी दादी तो शुद्ध शाकाहारी, कल केक भी नहीं खा रही थी। इस फिलहाल बहुत रात हो चुकी है, तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।